राजधानी लखनऊ के पीएससी 35वीं महानगर में उत्तर प्रदेश की पुलिस की वार्षिक 67वीं एथलेटिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस वक्त हम यहाँ मौजूद है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर खिलाड़ी मैदान में है, स्टेडियम के अंदर खिलाड़ी मौजूद है अपनी अपनी प्रतिभाओं को हुनर दिखाने के लिए। यहाँ पर सभी जिलों से जो है खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद है। एक भव्य सा आयोजन किया गया यहाँ पर, 4 दिवसीय ये प्रतियोगिता है जिसमें कि खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का हुनर दिखा रहे हैं। जो अपना स्टेट नंबर 3 से लगाए हैं, जो नंबर 3 में जो खिलाड़ी हैं अपना स्टेट नंबर 3 से फिनिश करें। भीम सिंह, गोविंद कुमार, क्या नाम है? पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं ओलंपियन जटाशंकर मिश्रा, असिस्टेंट कमांडेंट 35BNPSC अवलिक प्रादेशिक क्रीड़ा अधिकारी हूँ। और आज यहाँ पर खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, क्या भूमिका आपकी, किस तरह से आप पूरा आयोजन यहाँ पर किया गया है? ये प्रतियोगिता कल से आयोजन की गई है, आज से नहीं, 19 से 22 नवंबर तक की गई है। और ये ऑल उत्तर प्रदेश पुलिस प्रत्येक जूनों से टीमें आई हुई हैं, 14 जून होते हैं। और इसमें अभी हमको अच्छे प्लेयर भी मिले हैं जो अखिल भारतीय पुलिस में प्रतियोगिता में मेडल भी देने की पूरी संभावना है। आपकी क्या भूमिका है इसमें? हम प्रादेशिक क्रीड़ा अधिकारी हैं, एज स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं उत्तर प्रदेश पुलिस का। और हमारा भी 400 मीटर में एशियन गेम में सिल्वर मेडल रहा है 1998-2002 में। कैसा लग रहा है खिलाड़ियों को, क्या उत्साह का माहौल दिख रहा है खिलाड़ियों को? अंदर उत्साह बहुत अच्छा है, बस इनको ये है कि रेगुलर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो इंटरनेशनल लेवल पर मेडल दे सकते हैं। खेल के बारे में आप 2 शब्दों में क्या कहना चाहेंगे? खेल की 2 शब्दों में यही है कि इनकी रेगुलर प्रैक्टिस हो। और खेल का ये है कि एक हर एक पेरेंट्स का दायित्व बनता है, जैसे स्कूल में भेजते हैं लगातार, वैसे खेल के लिए भी गाइड करेंगे, भाई खेल भी एक महत्वपूर्ण स्पोर्ट्स है। ओके सर, क्या नाम है आपका? मोनिका त्यागी। आज यहाँ पर खेल प्रतियोगिता हो रही है, क्या भूमिका आपकी, क्या कौन सा खेल आपने? मैंने हैमर थ्रो किया है और हैमर थ्रो में मैंने फर्स्ट प्लेस दी है और यहाँ पे न्यू रिकॉर्ड भी बनाया है। और एंड मतलब तीन दिन से यहाँ पे प्रतियोगिता चल रही है और अभी 22 में समापन है, तो अच्छा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। और अच्छा भी लगा मुझे कि मैंने मतलब जो मेरी पहले परफॉर्मेंस थी उससे ज़्यादा अच्छा किया है, तो मुझे खुद को भी अच्छा लगा है। क्या संदेश देंगे आप तमाम खिलाड़ियों को, जैसे कि आपने विजेता बनी आप, उसके बाद क्या संदेश देंगे आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि अच्छा करना चाहिए, किसी भी क्षेत्र में बढ़ चढ़ के हिस्सा लो, जिसमें जो मन है उसको, प्रतिभा को निखारो और आगे आओ, अच्छे से करो, जो करना है मन से करो। और मुझे सच में बहुत अच्छा फील हो रहा है। खेल के प्रति आपकी क्या कहना है, खेल आपको कैसा लगता है? मुझे खेल सबसे ज़्यादा अच्छा खेल लगता है मुझे, मैं खेल ही करती हूँ, बचपन में करती थी, लेकिन तब मैं ऑलराउंडर होते हैं, छोटे छोटे बच्चे कुछ भी खेलते हैं, वही सब मैं खेलती थी, रनिंग भी कर ली, जंप भी कर ली। लेकिन यहाँ पे आके फिर मैंने सिर्फ एक खेल चुना, हैमर थ्रो, तो अब मैं हैमर थ्रो ही करती हूँ, उसी की प्रैक्टिस।
यही है। इधर देखो, इधर गौरव गौरव चंद्रहास कुशवाहा पीएससी मध्य जोन कुशवाहा का ये सचिन थोड़ा आगे जाओ, जाओ ये देखो, जाओ थोड़ा आगे जाओ। पैंतीसवीं पीएससी महानगर में 67वीं उत्तर प्रदेश पुलिस वार्षिक एथलेटिक प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया। 4 दिवसीय ये पूरा आयोजन है। आज इसका दूसरा दिन था। तमाम खिलाड़ियों को आज सम्मानित किया गया। कैमरामैन अनिल तिवारी के साथ जाहिद अली की रिपोर्ट, प्रेसमैन न्यूज़, लखनऊ।